Class here the students, here is Anand sir and our today's topic is वनस्पति एवं जंतु जो हमारे चैप्टर से लिया गया है का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर 6 क्लास 8। वनस्पति एवं जंतु के बारे में हम सोचें तो वनस्पति यानी जो प्लांट्स होते हैं, जंतु यानी हमारे एनिमल्स होते हैं। इसके बारे में समझेंगे अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले सभी विभिन्न प्रकार के पौधों को विशेष क्षेत्र की वनस्पति कहा जाता है। इसी प्रकार अपने प्राकृतिक आवास में पाए वाले सभी विभिन्न प्रकार के प्राणियों को उस विशेष क्षेत्र के जंतु कहा जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के पौधे विशेष क्षेत्र में रहते हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे विशेष क्षेत्र में भी रह सकते हैं और विभिन्न प्रकार के जंतु विशेष क्षेत्र में रह सकते हैं। जैसे जिराफ सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु तथा वनस्पति एक साथ मिलकर उस क्षेत्र की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का निर्माण करते हैं। WCU एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व पर पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उसके IUCN नामक संस्था ने एक विशेष प्रकार की पुस्तक का प्रकाशन किया जिसमें संकटग्रस्त जातियों का वर्णन किया गया। इस पुस्तक को लाल आंकड़ा पुस्तक कहा जाता है। इस पुस्तक में जातियों को 9 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नवत है जो बुक का नाम है रेड डेटा बुक। बुक का नाम क्या है? रेड डेटा बुक। ध्यान रखना है कौन कौन जातियां हैं। विलुप्त जातियां होती हैं देखिए, और वनों में विलुप्त चरम संकटग्रस्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां, अति संवेदनशील जातियां, खतरों के निकट जातियां, कम ध्यान देने योग्य जातियां, न्यून आंकड़ा जातियां, बिना मूल्यांकन के जातियां, और इन सभी सारी चीज़ें कैसी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग मुझसे कॉल करके। थैंक यू वेरी मच।